मित्रों, जय आरसीएम। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। विश्वास है कि आप सभी लोग और आपका परिवार अपने अपने घरों में होंगे और स्वस्थ होंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ा दिया है। जब भी कोई संकट आता है, कोई आपदा आती है, उसी के साथ कोई ना कोई अवसर भी अवश्य आता है। हम सभी लोगों ने पिछले कुछ दिनों में, हफ्तों में, महीनों में यह समझा है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी का क्या महत्व है। माननीय तिलोक जी ने भी अपने उद्बोधन में कहा था कि अब हमें अपने लिए नहीं औरों के लिए जीना है। मित्रों, दो मित्र या दो दोस्त पत्थर तोड़ रहे थे सड़क पर। दोनों को एक प्रश्न पूछा गया कि आप क्या कर रहे हैं। एक ने कहा कि मैं पत्थर तोड़ रहा हूं। दूसरे ने कहा कि मैं ये जो भव्य मंदिर बन रहा है वो बनाने वाली टीम का एक हिस्सा हूं। उसी तरह हम भी अपने कार्य को दो तरीके से देख सकते हैं। या तो हम ये सोच सकते हैं कि हम न्यूट्रिशन सप्लीमेंट बेच रहे हैं, या हम ये समझ सकते हैं कि भारत और भारतीयों को सेहतमंद बनाने की मुहिम का हम सब लोग एक हिस्सा हैं। आरसीएम के कल्चर में नहीं है शांत बैठ जाना, पर हमें यह भी पता है कि अभी लॉकडाउन है। इस लॉकडाउन को और इस समय का सदुपयोग हमें न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट्स को और गहराई से समझने के लिए इस्तेमाल करना है, स्पेशली उन प्रोडक्ट्स के लिए जिनका इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने से सीधा सीधा संबंध है, जैसे कि न्यूट्रीचार्ज मैन, न्यूट्रीचार्ज वुमन, न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडक्ट डॉय पैक, न्यूट्रीचार्ज कोकोआ प्रोडक्ट डॉय पैक, न्यूट्रीचार्ज S5, न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा। अलग अलग प्रोडक्ट्स के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। वही जानकारी आपको अपने मित्रों, अपने परिवार वालों, अपने ग्राहकों तक वीडियो के जरिए भेजनी है, लोगों से बात करके उनको समझाना है। ये सब काम हम 3 मई तक कर सकते हैं। उसके बाद हमें अवसर मिलेगा लोगों के पास जाने का और उनको ये प्रोडक्ट्स सप्लाई करने का। आरसीएम और न्यूट्रीचार्ज के कारण ये अवसर हम सबको मिला है, इसके लिए हमें भगवान का धन्यवाद देना चाहिए। मुझे विश्वास है कि हम सभी लोग इस रास्ते पर चलकर 3 मई के बाद जब हम काम करना शुरू कर पाएंगे तो भारत और भारतीयों, जैसा मैंने कहा, उनको सेहतमंद बनाने की इस मुहिम को और आगे ले पाएंगे। जय आरसीएम। मेरा चार्ज न्यूट्रीचार्ज।